घर घर बताने लगे। महाभारत की युद्ध की तैयारियां हो रही हैं दोनों दल में। इस बात का पता जब कृष्ण के बड़े भैया हलधर को चला, जाकर के कहते हैं कृष्ण से कि सुनो, मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो, अगर युद्ध होगी दोनों दल के लोग मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण कहलन की तर होली के कोई टार ना पाई। यहां दर्ज बा गजल के, जिसके सर पर हाथ हरदम, अरे जिसके सर पर हाथ हरदम गोश संतारी कहे, अरे गोश समदा निका है, अरे जिंदगी का, अरे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है, कि कहने लगे हैं कृष्ण हलियो मूसर तुम्हारा, कहने लगे हैं कृष्ण हलियो मूसर तुम्हारा, खूनी लड़ेंगे एक और अर्जुन भीम जुझारा, गांधी उधारी अर्जुन बाण छोड़ेंगे संसार, घनघोर गदा भीम का भी बाजेगा ठनठन, चटहल को उठा हलधर भगवान से बोले, चटहल को उठा हलधर भगवान से बोले, क्षण में पलट दूंगा धरा का भेद है खोले। अरे भैया, जहां अर्जुन जैसे बहादुर, भीम जैसे बहादुर लोग रहेंगे, ये आपका हल मुसल सब बेकार हो जाएगा। तब हलधर महाराज गलन की सुना, हमें तू जानत ना हुआ, एक पल में ये हल से मार के धरती के हम पलट दे, आज युद्ध होई तो हम कौरव दल का मदद करब, तू पांडवन का मदद करवा, तो ये भी कह दे रहा हूं कृष्ण कि मेरे कौरव दल की विजय होगी, बस तुमसे एक ही बात की डर है कि जब चाल से महाभारत रचाओगे भाई, जब चाल से महाभारत रचाओगे भाई, झूठी नहीं रण की धरा पंचाए, बात और कहलन का कहलन कि तेर बंसी की ओ तेरी, अरे तेर बंसी की ओ तेरी चाल भी मशहूर है, अगर चाल करवा तो समझ ल कृष्ण कि ठीक पल तू गाधरा, ठीक पल तू गाधरा पल राम भी मजबूर है, भाव मिलल, अरे मिताई में हिताई का करी, मिताई में हिताई
चालू बने हो सारथी खुद क्यों नहीं लड़ते, अरे छक्का छुड़ा तू जंग में खुद क्यों नहीं लड़ते। जब तक कौरों का झंडा मैं नहीं फहराऊंगा, झूठा नहीं माँ की कसम हलधर नहीं कहूंगा। दुर्योधन मेरा परम मित्र है, मित्र ही नहीं शिष्य भी है, गदा वाली विद्या मैं सिखलाया हूँ। अगर हिम्मत है तुझ में तो मुझसे लड़ करके देख लो। अब यहाँ थे तर्जबा कि नदी भौजिया दोनों एक समूरिया अदुन हुन कपियावा पर देसिया हो। लेकिन कृष्ण भगवान थर 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 कांपे लगलन का है कि सुनी सुनी बतिया के सोचले कन्हैया हुई लड़ैया कैसे भैया से। सुनी सुनी बातिया के सोचले कन्हैया हुई लड़ैया कैसे भैया से। भगवान चिढ़ावे लगलन हलधर महाराज के, हलधर महाराज क्रोधावेश में आ गयलन है। लेकिन वो घड़ी का तर्जबा एक बनारस की साइड कर लो गाई लो कि चलत चलत मोरी अरे पौवा पिरैले भैया गोकुल हो नैहर केतना बदून भैया। भगवान माया के गाय जब फिट कर दिलन तो हलवा की फलवा में अरे फसिए का गैया भैया हलधर हो दिहले हलवा चला थर 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 कांपे लगलन। भगवान कहते हैं कि ये तो बड़ा भारी अनर्थ आप कर दिए। अरे जिन गायों का हम दूध पिया करते हैं, दही खाया करते हैं, वन में चराया करते हैं,
आज आपके हाथ से एक बाल गोपाल के हाथ से गौ माँ की मृत्यु हो गई, शर्म की बात है। कलन की भैया पाप तो हमके लग गई, छुटकारा कैसे हुई? कलन जितना तीर्थ बाजा के सगरी करावा, कलन हमके विश्वास कैसे हुई कि हमार पाप खत्म हो गई? ते एगो सुखल बांस का पोड़ी दिहलन, और उधर जब सुखल बांस का पोड़ी लेके हलधर महाराज चलन है तीर्थ करे, भगवान के इधर मौका मिल गई महाभारत के रचना करा दिहलन उघरी का भाव बा कि अरे राम राम अरे हो मोरे जाता है, कहता है माम सभी लोग मारे जा चुके हैं, अकेला बचा हूं, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। उसकी माँ कहती है अरे बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ जाओ गंगा में स्नान करने के बाद मेरे सामने नंगा होकर के आओ, मैं आंख की पट्टी हटा करके तेरी शरीर को देख दूंगी, तेरी पूरी शरीर बद की हो जाएगी। दुर्योधन चल बाप नहा वहा के नंगा ओहर से भगवान के पता हो गई, पहुंच गलन बिछवे में गलन है। दुर्योधन कहां जात हुआ? गलत भाई तू बड़ा खराब आदमी होगा, कौनो काम करी ले आ जाला। जाते ही माई के लगे, माई एकिया का पटिया हटा के देखी पूरा शरीरिया बजल का हमर हो जाई। भगवान कलन बात सही बा, छोट रहला तो कुल माई के लगे दादा के लगे नंगे घूमा कुल, लेकिन अब चक्रवर्ती राजा हो गई तनी लजाए के चाहिए तो के। दुर्योधन सोच लिया कि सही कह रहे हैं, केले के पत्तियों से अपने गुप्तांगों को ढक लिया, अपने माँ के पास जाता है। उसकी माँ देखती है आंख की पट्टी हटा करके, कह दिया बेटा तूने बहुत भारी अनर्थ कर दिया, तेरी पूरी शरीर बज हो गई लेकिन यही थोड़ा सा भाग शेष रह गया। दुर्योधन चलल बा वहां से, जल थम मंत्र जानत रहल मान सरोवर के बीच में प्रवेश कर गई बा। एहर पांचों भाई खोजत हुमन, भगवान कहलन की एक पनिये में दुर्योधन बा, ओ घरी का भाव बा कि अरे पांचों भाई खोजे हाथे ले कि अरे आज अगर माई तो हाथ पिया
चक्कर जला है, अरे चलन पद जब की हुआ है तैयार। प्रमाण मिलता है, लक्ष्मी जी रोकती हैं कि दुर्योधन कहाँ जा रहे हो, कल तेरी विजय हो जाएगी लेकिन आज मत जाओ। आज जिसे तुम साधारण भीम समझ रहे हो, अरे वो साधारण भीम नहीं बल्कि साक्षात शंकर भगवान गरज रहे हैं। लेकिन दुर्योधन मल्लसना भाई का भैया दुर्योधन चलल बा, अरे चलल दुर्योधन अब बाबू वही घरिया, अरे चलल दुर्योधन अब बाबू वही घरिया, अरे पांडव जी सामान आवा गया है उस बाहर, अब कह धर्मराज कैसे होई है लड़ैया, अरे हम तो अकेले तोहर गोल करिया। गलत के धर्मराज ई बतावा, हम अकेले हैं तो हम पांच भाई हो तो लड़ाई होई के तरह। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि दो आदमी के लेला हमरी में से तीन जना हो जीवा लोगन, आ तीन जना हमनो कर रही लड़ाई होई। तब दुर्योधन से लगल कलस की पागल हो गई जबुआ, तनि सोचा हो युधिष्ठिर कि अरे अर्जुन और भीम अगर हमारी संग हो जाएंगे, अरे अर्जुन और भीम अगर हमारी संग हो जाएंगे, तो तुहरी शक्ति सारी हो जाएगी बेकार। अगर अर्जुन भीम हमारी ओर हो जाएंगे तो नकुल सहदेव खिचड़ी खाए वाला, पूरी तरकारी खाए वाला, इलोका के पैलो इन अलून के बल पर तू जीत पैबा। कहलन की सही कह रहा है दुर्योधन, कहलन की तू ही बतावे दुर्योधन की लड़ाई कैसे हुई। तब दुर्योधन कहे लगल कि हमार विचार बाप कि अपनी दल का राजा तू, अपनी दल का राजा हम, तय आज हुई है, अरे आज करी है समर दोनों दल के राजा ना, आज करी है समर दोनों दल के राजा ना। तब पांडवन के राजा भीम बोले है मुरार, भगवान फिर चला की कर गयन कलन ठीक बा राजा, राजा का लड़ाई हुई ते पांडव दल का राजा है गरीब भीम हूं। तब दुर्योधन कहा कि मैं नहीं मानूंगा, अगर आप युधिष्ठिर महाराज के सर से ताज उतरवा करके भीम के सर पर बधवा दे तब मैं भीम को राजा मान जाऊंगा। ताज युधिष्ठिर महाराज की कपारे से उतरवा के भगवान भीम की कपारे बनवा दिया, लड़ाई होवे लगल। लेकिन लड़ाई कैसे होत बाप दुर्योधन और भीम में कि तहिया थन थन गदावा बाजे हाथी रवन के, अरे थन थन गदावा बाजे हाथी रवन के, अरे दोनों बीरा माने ना हीरा नवन हार, अब दोनों बीरा माने ना हीरा नवन हार। भीम जी लगलन मारे दुर्योधन के, ओकर पूरा शरीर बजर कर रहल, ओके कुछ बुझाइबे ना कही। कलम की भीम तनी समर एक बार एक ही गदा उमच के मार दिलस, भीम जी लगलन कोई कोई करे। अर्जुन जी लगलन सोचे कि बुझाते आज भीम महाराज हन का भाई, अगर भीम ऐसा भाई ना रही है तो हमन कर हल व्यर्थ हो जाई। भगवान से कलन की भगवान कोनो उपाय लगा दा। भगवान कहते हैं कि यही दुर्योधन जब द्रौपदी को अपने जंघे पर बैठाने की बात कर रहा था सभा के बीच में, ओ समय भीम जी कोनो प्रतिज्ञा कैले रहलन, उहे बतिया याद दिला दे दूसर उपाय ना बा। ई बतिया अर्जुन जी कही है तब तक भीम जी सुन गेलन भगवाने की मुहा से, आ कैलन का तहिया करो जी के गदावा मारे ले जंघा पर, तहिया करो जी के गदावा मारे ले जंघा पर, अरे टूट गया जंघा पापी करे साध दोनों मन में उपजले। पापी दुर्योधन गईले स्वर्गवा, दुर्योधन मर गया प्रेमियों। गाना में आखिरी भाव भाई इधर हलधर महाराज का कहा भाई कि 18 दिन में महाभारत वराए गईले, 18 दिन में महाभारत वराए गईले, रामेश्वर वृंदावन बालाजी प्रयाग घुमत जब अलन है काशी जी में तो देखलन का कि हरियर हो गईली अब बसवा कपोरिया, अ कहे मीटल पाप तोले मिलल बखबरिया, कि अरे साथी दुर्योधन मोर मराए गईले,
काशी जी में आते हैं, पता चला कि महाभारत की लड़ाई पूरे 18 दिन तक हुई है और दुर्योधन मारा जा चुका है। क्रोधावेश में हो जाते हैं, चल देते हैं, वहां से पहुंच गए पांडवों के शिविर में, कहते हैं कि कहां है पांचों भाई। अरे मैं पांचों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई के मैदान में जब यह वर्जित था कि कमर से नीचे कोई वार नहीं कर सकता, तो भीम ने मार करके दुर्योधन का जंघा क्यों तोड़ा है। लगन ललकारे, कहते हैं कि आज पांचों को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। अरे जब ललकार ललकार करके हलधर महाराज कहने लगा, पांचों भाई गन 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 कांपने लगे कि भगवान हो ही का, भगवान गलन की भैया की गुड़वा पर चल के पारा पारी गिर जा लोगन, दूसर कौनो उपाय ना बा, जाके लोग प्रणाम कई भगवानों गिरलन है। तक कहने लागे हलधर कि धन्य धन्य बनवारी, अभी लिखा लगा के हो नहीं तारी। अरे विपिन बिहारी गिरधारी संसार बिहार साए, कि मिताई में ही ताई का करी। अरे मिताई में ही ताई का करी, तब बोले चन किशोर प्रहलाद प्रेम दर्शाई। आर सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए। आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन।